एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के एयरफोर्स रोड 100 मीटर मामले में शुक्रवार को विधायक नीरज शर्मा ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। इस दौरान शर्मा ने रक्षा मंत्री को बताया कि पहले प्रतिबंधित क्षेत्र का दायरा 900 मीटर था, जिसे घटाकर पहले 300 मीटर और अब 100 मीटर किया गया है। लेकिन इस 100 मीटर इलाके में लोग प्रतिबंध के कारण नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। शर्मा ने उन्हें डिफेंस एक्ट 1903 का हवाला देते हुए बताया कि रक्षा मंत्रालय सिर्फ उसी जमीन के लिए प्रतिबंध लगा सकता है जिसका मुआवजा किसान को दिया गया हो, जबकि 100 मीटर दायरे में आने वाली भूमि के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया। शर्मा ने अपने पत्र में लिखा है कि यहां 50 से 100 गज में गरीब तबके के लोग रहते हैं और यह इलाका केंद्रीय पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड ने सबसे प्रदूषित इलाके के रूप में चिन्हित किया है। शर्मा ने कहा कि अवैध निर्माण रोकने की आड़ में इस इलाके के लोगों को सड़क, बिजली, पानी और सीवर जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित किया जा रहा है। सिंह ने इस मामले में अपने अधीनस्थ अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। शर्मा ने भगवान राम को समर्पित एक पुस्तक भी राजनाथ सिंह को भेंट की। विधायक एनआईटी नीरज शर्मा इस मामले को विधानसभा, नगर निगम सदन की बैठक और मुख्यमंत्री के समक्ष भी उठा चुके हैं। मित्रों नमस्कार, आपका भाई बेटा विधायक नीरज शर्मा NIT 86 फरीदाबाद। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सुबह सुबह मैं अभी माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी से मिल के आया। जो मेरा चुनाव का अहम वादा था, अहम घोषणा थी, 100 मीटर की तलवार जो हमारे इलाके की जनता पे लटकी पड़ी है, उसका पूरा प्रेजेंटेशन मैं दे के आया, उनको बता के आया कि 1903 का डिफेंस लैंड एक्ट क्या कहता है कि डिफेंस को जब भी ज़मीन एक्वायर करनी है और वो बाहर की ज़मीन में अपना हक जताना चाहता है तो वहाँ के लोगों को मुआवजा देना चाहिए। उनको साथ साथ ये भी समस्या बता के आया कि 100 मीटर में लाखों लोग रह रहे हैं, 50-50 100-100 गज के सारे गरीब लोग रह रहे हैं जिनकी ज़िंदगी पे तलवार लटकी पड़ी है। और बदकिस्मती से हमारा मेट्रो का प्रोजेक्ट आना है प्याली चौक पर, 60 फुट रोड हम लोगों ने स्मार्ट रोड में बनानी है, वो बात बता के आया। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं उनसे जो बार बार विनती करके आया कि लोग यहाँ क्यों आ गए, क्योंकि सरकार की भी पासशुदा कॉलोनी थी कपड़ा कॉलोनी, 900 मीटर में पहले प्रेस कॉलोनी भी आती थी। और आज MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर इस एयरफोर्स रोड को सबसे हॉटस्पॉट घोषित किया हुआ है प्रदूषण के मामले में। आप समझ सकते हैं कि सबसे प्रदूषित सड़क पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी की क्या गुजर बसर होती होगी। मैंने कहा जी और कुछ होना हो कम से कम आप पानी, सीवरेज, बिजली की तो व्यवस्था कर दें। उन्होंने मुझे सकारात्मक जवाब दिया है, फाइल पे नोटिंग लिखी है, जो मैं कागज़ प्रेजेंटेशन आपका भाई बेटा माननीय रक्षा मंत्री जी को दे के आया। मैं बहुत समय मांग रहा था, मुझे आज ही समय मिला उनका, क्योंकि कोरोना में शायद वो मिल नहीं रहे थे लोगों से। और ये मैं सारी बात आपसे इजहार करना चाहता हूँ और मैं उनसे विनती करके आया हूँ कि भाई आप एक माननीय मुख्यमंत्री जी और सबके साथ हरियाणा सरकार के साथ एक बैठक करें उच्च स्तरीय और हमारी NIT की 86 की जनता को रिलीफ दें, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.